नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात करेंगे कैसे मर्डर की जिसने सबको हिला दिया। गोवा की परफ्यूम गर्ल मोनिका की मर्डर मिस्ट्री का हर राज अब खुल चुका है। जिसने कत्ल किया वो मोनिका को जानता था, उसके फ्लैट में अक्सर आता जाता था। मोनिका ने मर्डर से पहले उससे फ्लैट के बाहर मुलाकात भी की थी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि उस शख्स ने परफ्यूम गर्ल मोनिका का मर्डर कर दिया। मोनिका घुर्दे, जानी मानी परफ्यूम एक्सपर्ट, जिनका शव उनके फ्लैट में बरामद किया गया था। अब पुलिस ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है। ये कहा जा रहा है कि मोनिका ने भी इस वॉचमैन को बाहर निकालने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ये वॉचमैन नाराज था और इसने फ्लैट के अंदर दाखिल होकर मोनिका के साथ जो कुछ किया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। मोनिका को पॉर्न फिल्म दिखाई और उसके बाद उसका रेप किया। उसके बाद तसल्ली से इस वॉचमैन ने वहां खाना बनाया और फिर वहां से मोनिका का एटीएम कार्ड और पैसे लेकर फरार हो गया। एक खूबसूरत बिजनेस लेडी, एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, एक पिलो, एक मोबाइल, एक चॉकलेट, एक रस्सी, एक चाकू और खौफनाक साजिश। गोवा की परफ्यूम लेडी मोनिका घुर्दे के कत्ल का हर राज सामने आ चुका है, क्योंकि उसके कत्ल के आरोपी राजकुमार ने पुलिस के सामने हर गुनाह कबूल कर लिया है। मगर ये कहानी गुनाहों से नहीं बल्कि पहली नजर के आकर्षण और मुलाकातों से शुरू होती है। पंजाब के बठिंडा का रहने वाला राजकुमार गोवा के पंजी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पंजी में सपना राज वैली बिल्डिंग में राजकुमार गार्ड था और मोनिका उसी बिल्डिंग में रहती थी। मोनिका घुर्दे को ये नहीं पता था कि जिस शख्स को वो पहले से जानती है, कई बार मुलाकात कर चुकी है, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। मोनिका को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बिल्डिंग का पूर्व गार्ड राजकुमार सिंह 5 अक्टूबर को उसके साथ क्या करने वाला था। 5 अक्टूबर को मोनिका का उसी के फ्लैट में घुसकर कत्ल कर दिया गया। मगर पुलिस को शुरुआत में ये नहीं मालूम था कि कातिल बिल्डिंग का एक पूर्व गार्ड राजकुमार है, क्योंकि राजकुमार को काम से निकाला जा चुका था और कत्ल वाले दिन उसे किसी ने भी बिल्डिंग में नहीं देखा था। He entered this apartments and went up to the terrace. That he stayed there for 2 days in the apartment itself. पुलिस के मुताबिक राजकुमार अक्सर मोनिका से मिलता जुलता था। नौकरी से निकाले जाने से पहले वो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा मोनिका की गाड़ी भी साफ करता था। गाड़ी की चाबी देने के बहाने वो अक्सर मोनिका के फ्लैट में जाता था। मगर एक दिन चोरी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि मोनिका का छाता उसके कमरे में पाया गया था। नौकरी जाने के बाद उसने किसी तरह मोनिका से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत के बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन शायद इसी मुलाकात में राजकुमार ने मर्डर का प्लान बना लिया। He had visited this apartments and contacted the deceased twice on different dates. He was insisting that because of your complaint, I have been removed. I didn't get my pay even. So he planned the whole anger and frustration, what you call it, was focused towards this woman, the deceased. राजकुमार 3 अक्टूबर को चाकू और रस्सी लेकर सपना राज वैली बिल्डिंग में घुसा। उसे उस दिन मोनिका की गाड़ी नहीं दिखी, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाकर छिप गया। राजकुमार ने जैसे फैसला कर लिया था कि वो मोनिका की जान लेकर ही रहेगा, इसलिए 3 अक्टूबर को वो सपना राज वैली बिल्डिंग में घुसा। 2 दिन तक वहीं टेरिस पर रहा और वहीं से मोनिका पर नजर रखता रहा। राजकुमार 2 दिन तक छत पर ही रहा। वो बार बार छत से देखता रहा कि मोनिका की कार कब आ रही है, कब जा रही है। प्री प्लान्ड
with a as a strategy and remained there looking for an opportunity. He was not getting one, so he prolonged his stay. He was in the meantime, he would awfully come down, check whether this Monica deceased car is there or not. दो दिनों तक सपना राज बिल्डिंग की छत पर रहने के बाद 5 अक्टूबर को राजकुमार नीचे आया, मगर वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया बल्कि सीधे मोनिका घोड़े के घर पहुंचा और दरवाजे की बेल बजाई। मोनिका की बिल्डिंग का पूर्व सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार 3 अक्टूबर को ही इमारत में दाखिल हो चुका था। वो दो दिन तक छत पर छिपा रहा और 5 अक्टूबर की शाम को उसने पार्किंग में मोनिका की कार देखी। इसके बाद वो नीचे आया और मोनिका के फ्लैट तक पहुंच गया। मोनिका ने दरवाजा खोला और उसके बाद कत्ल का खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। मैंने क्या बताया? गोवा में परफ्यूम क्वीन की मर्डर मिस्ट्री के राज जैसे जैसे खुले, वैसे ही उस रात की कहानी से रहस्य का अंधेरा छटने लगा। लोगों को हैरान और पुलिस को परेशान कर देने वाले कत्ल कांड में लड़की के लिए एक तरफा आकर्षण है तो पैसे का लालच और जिस्म की हवस भी। पागलपन की हद तक दीवानगी है तो एक वॉचमैन के शैतानी दिमाग में उमड़ती घुमड़ती साजिश की परतें भी। दो दिन तक पणजी में सपना राज बिल्डिंग के टेरेस पर छिपे रहने के बाद शाम के करीब 6 बजे गार्ड राजकुमार ने ठान लिया कि अब उसे अपने इरादों को अंजाम देना है। सो गहराती शाम के धुंधलके में वो परफ्यूमर मोनिका गुडे के घर के बाहर जा पहुंचा और खुद को सिक्योरिटी विंग से बताकर फ्लैट में जबरन एंट्री कर ली। नॉक एट द डोर व्हेन शी इंक्वायर्ड हु इज देयर, ही सेड आई एम फ्रॉम द सिक्योरिटी सुपरवाइजर। सो the moment she opened the door, he forcefully entered and even flashed the knife. He had taken the knife with him, so immediately he flashed the knife and she about to shout, then he threatened her with a knife and then he overpowered her with a hand, closed her mouth, took her inside the bathroom. फ्लैट में गार्ड के घुसते ही मोनिका फंस चुकी थी और राजकुमार इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। हाथ पैर बांधने में उसने जरा भी वक्त नहीं गवाया। मोनिका घिर चुकी थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी, किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकती थी। गार्ड ने जो कहा उसने किया, कैश दिया, एटीएम कार्ड दे दिया। And the legs, he demanded money, so she said, "Okay, whatever money you take, you know." So he searched, the purse was there, he searched the purse and he could get roughly around 4,000 something from the purse. But that was not enough for him. So he said, "I want more money." So she said, "I have got only the card, you can take this card." So he snatched the card. Then he took away the phone from her, which was lying near. So that she may not alert somebody or call somebody. Then he forced her to give the password number of the mobile phone also. So she was forced to give the password of the mobile number also. इस वक्त तक वॉचमैन राजकुमार समझ चुका था कि फ्लैट में अब कोई आने जाने वाला नहीं है। कैश और फोन कब्जे में करने के बाद वो अपने घिनौने इरादों पर उतर आया। जिसकी ताक में वो मोनिका के पीछे पड़ा था, राजकुमार ने उस पर जुल्म की हदें पार कर दी। एक के बाद एक 3 पॉर्न फिल्में उसे दिखाई। Once he got the password of the mobile number, then he forced her to watch pornographic movies. 3 clippings he showed her forcefully, made her to watch that. इस वक्त तक मोनिका के फ्लैट में वॉचमैन हर तरह से अपनी मर्जी कर चुका था। शाम के बाद रात गहराने लगी थी और उसे मालूम था कि मोनिका के घर में किसी का ज्यादा आना जाना नहीं है, लिहाजा खतरे का कोई संकेत तक नहीं था। अब वो अपने उस इरादे पर उतर चुका था जिसका भूत उसके सिर पर मोनिका को देखने के बाद से ही सवार था। रेप किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या भी। Intentionally, forcefully, you know.
sexually exploited her. Okay. And then he must have realized that since she knows him very well, and she would complain, then he suffocated her. I mean, he just pressed her neck and smothered her, and she died. मोनिका हत्याकांड में पुलिस ने पूछताछ की बिना पर कई खुलासे किए जो इस वॉचमैन राजकुमार की सोच और दिमागी हालत को बताने के लिए काफी है। तुम्हारा नाम क्या? राजकुमार। मोनिका की हत्या से पहले वॉचमैन ने फ्लैट का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वो यहाँ का मालिक हो। बाथरूम में शेव की और टेरेस पर दो दिन तक भूखे प्यासे छिपे रहने के चलते किचन में जमकर खाया। And boiled eggs, took it, ice creams and chocolates he took, you know. He also shaved himself, because he shaved himself, and we got this evidence, we got the hairs from the spot also. So that will be a very clinching evidence against him. अपराध की दुनिया के जानकार मानते हैं कि खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे किए धरे का राज छोड़ जाता है। मोनिका हत्याकांड में पुलिस ने वो तमाम सबूत जमा कर लिए हैं जो उसे कत्ल, रेप, लूट की घिनौनी वारदातों की सजा देने के लिए काफी हैं। मयूरेश गणपति, पणजी, आज तक।